प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। खुदा के कलाम में क्या लिखा है, जिसको जो वरदान मिला है। मेरी तो सबसे पहली बात आज की संध्या की है, क्या निश्चित तौर पर सबको वरदान मिला है? मैं तो ये सवाल अक्सर कभी कभी मैं भी अपनी जिंदगी में अपने खुदावन से पूछता था कि प्रभु मुझे में तो कोई भी योग्यता भी नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छी इंग्लिश भी नहीं बोलता, मैं बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, बहुत शरीफ भी नहीं हूँ। खुदावन नाना प्रकार की परेशानियां, नाना प्रकार की कमियां, मेरा बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा नहीं है, मेरा सर्कल भी बहुत अच्छा नहीं है, मेरे बहुत ज्यादा धार्मिक काम भी नहीं है। मैं अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं खुदा से पूछता था, प्रभु जी ऐसा क्या है कि आपने मुझे पासवानी सेवा का अवसर दिया? मैं तो न जाने कितने ऐसे लोग हैं संसार में जो शून्य होकर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। जब वो दूसरों को देखते हैं कि ये कितना अच्छा गाता है, ये कितना अच्छा बजाता है, ये कितना अच्छा प्रचार करता है, ये कितना पढ़ा लिखा है, ये कितना पैसे वाला है, अरे यार काश हम भी ऐसे होते। दूसरे की लाइफ को देखकर, दूसरे की टैलेंट्स को देखकर, दूसरे की योग्यताओं को देखकर कहीं ना कहीं हर एक आदमी जीवन में सवाल को जरूर जरूर और जरूर अपने लिए उठाता है कि प्रभु मेरे पास तो कोई वरदान ही नहीं है, तूने मुझे कुछ दिया ही नहीं। पादरी लोग कहते हैं, अरे प्रभु आपने मुझे दुष्टात्मा निकालने का वरदान नहीं दिया, प्रभु आपने मुझे अन्य भाषाएं में बोलने का वरदान नहीं दिया, प्रभु आपने मुझे हाथ रखकर लोगों को गिराने का वरदान नहीं दिया, प्रभु आपने मुझे बहुत अच्छा प्रचारक नहीं बनाया। अगर मैं पादरियों की, सिर्फ पादरियों की बात करूं तो प्रभु आपने मुझे इस पदवी पर नहीं बैठाया, इसको नहीं, इसके पास इतना टैलेंट है, ये कितना अच्छा म्यूजिशियन है, कितना अच्छा बजाता है, कितना अच्छा गाता है, प्रभु मेरे पास ये टैलेंट नहीं है। मैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसी भ्रांति में निराशाओं में जिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि उनके जीवन में कोई ऐसा सबब ही नहीं है जिस सबब की वजह से वो जीवन को जिए, और वो डार कर अंधेरे में चले जा रहे हैं। मैं तो निश्चित तौर पर जान लेना, परमेश्वर ने जिसको भी संसार में भेजा है, सृष्टि के आरंभ के पहले व्यक्ति से लेकर और सृष्टि के अंतिम व्यक्ति तक, परमेश्वर किसी को भी बिना वरदान दिए नहीं भेजता। खुदावंद ने हर एक को नाना प्रकार के वरदानों से भरा है। मैं तो हो सकता है सबके वरदान अलग अलग हो सकता है सबकी क्वालिटीज अलग अलग हो, कोई बोलने में बहुत अच्छा हो तो कोई बजाने में बहुत अच्छा हो, कोई गाने में बहुत अच्छा हो तो कोई खाने में बहुत अच्छा हो, कोई खाना पकाने में बहुत अच्छा हो सकता है कोई सफाई करने में बहुत अच्छा हो सकता है किसी के पास बहुत सारा धन हो सकता है किसी के पास ऐसे शब्द हो। कुछ लोग होते हैं वो देते कुछ नहीं है, लेकिन उनके पास बैठ जाओ तो सारी टेंशन दूर हो जाती है, यार मजा आ जाता है उसके पास बैठ के। मेरा तो सवाल यह है कि बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि खुदा ने मुझे क्या वरदान दिया है। मैं और आप इसी गफलत में अपने जीवन को व्यतीत कर देते हैं, क्योंकि मैं और आप अपनी जिंदगी के उस टैलेंट को पहचान नहीं पाते। बहुतों को पता नहीं होता कि मेरे पास क्या वरदान है। मैं तो अक्सर जब मैं और आप बातें करते हैं इस टेक्स्ट पर, तो अगर मैं और आप इसको पढ़ें तो सिंपली लिखा है कि जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवाओं में लगाए। मैं तो यहां पर अक्सर मैं और आप बात कहेंगे कि अगर खुदावंद ने तुम्हें पैसे दिए, तुम्हें आशीषें दिए, तो तुम क्या करो, भले भंडारी की तरह उस धन को दूसरों के लिए इस्तेमाल करो। खुदा ने अगर आपको अच्छी पदवी दी है तो आप उस पदवी का इस्तेमाल दूसरों की भलाइयों के लिए करें, नॉर्मल बात है। लेकिन मैं तो खुदा ने हर एक व्यक्ति को इससे भी बहुत 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 आशीषें दी है। जरूरी नहीं है कि मेरे आपके पास पैसे नहीं है, जरूरी नहीं है मैं और आप अच्छी पदवी पे नहीं है तो मैं और आप परमेश्वर के भंडारी नहीं है, और मैं और आप परमेश्वर के उस राज्य में दूसरों की सेवा के लिए अपनी जिंदगी को इस्तेमाल नहीं कर सकते।
मैं तो जिसके दो शब्द किसी रोते हुए के आंसुओं को पहुंचने के काम आ गए, निश्चित तौर पर जान लेना उसने परमेश्वर की सेवा कर ली। मैं तो जिसकी जरा सा हाथ किसी को रोड पार कराने के काम आ गया, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो अंधा हो या कोई और कमजोर जिंदगी हो, उसने परमेश्वर के लिए अपने भंडारीपन को कर दिया। मैं तो सबके अलग 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 टैलेंट्स हैं। मैं तो बस मुझे और आपको उन्हीं टैलेंट्स को पहचानना है, उन्हीं योग्यताओं को पहचानना है, उन्हीं वरदानों को पहचानना है जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के लिए दिए हैं, और उन्हें पहचान कर क्या करना है, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा अच्छे भंडारियों की तरह, अच्छे भंडारियों की तरह क्या करना है, हैं? उसे परमेश्वर की सेवा में लगाना है। मैं ही दो पहली बात आज की संध्या की, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके पास टैलेंट ना हो, क्योंकि मेरी तो परमेश्वर ने मनुष्य को टैलेंट से भरपूर किया है। मनुष्य को अगर परमेश्वर ने टैलेंट से भरपूर नहीं किया होता तो इतनी बड़ी अदन की वाटिका में जहां पर नाना प्रकार के जीव जंतु हैं, नाना प्रकार की हैं पक्षी भी हैं, जल जीव भी हैं, सारे सबको परमेश्वर ने बनाया नहीं बनाया पांच दिन में, हैं छठवें दिन परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया और फिर परमेश्वर ने उससे क्या कहा कि तू इस वाटिका की क्या करना, रक्षा करना, देखभाल करना और इस पर अधिकार रखना। अगर परमेश्वर किसी को अधिकारी बना रहा है, अगर परमेश्वर किसी को रक्षा करने की जिम्मेदारी दे रहा है, इसका मतलब टैलेंट तो है ना, मैनेजमेंट करने का टैलेंट है। परमेश्वर ने उसे सृष्टि के आरंभ से ही मनुष्य को कुछ दिया हो ना दिया हो, लेकिन मैनेजमेंट करने का टैलेंट तो दिया ही है। मैं तो हर एक खुदावन के दास उदासी, जितने प्रभु के दास उदासी हैं, अगर मैं और आप किसी को भी उठा लें, सब हो सकता है इब्राहिम के अंदर वो टैलेंट ना हो जो सारा के अंदर है, हो सकता है इजाक का टैलेंट अलग हो, याकूब का टैलेंट अलग हो, यूसुफ का टैलेंट अलग हो, हो सकता है दाऊद का टैलेंट अलग हो, हो सकता है शमूएल का टैलेंट अलग हो सकता है जो एलिया में है वो एलीशा में ना हो, हो सकता है जो यशाया में है वो यर्मिया में ना हो। यीशु मसीह के 12 चेले, सबके अपने अलग अलग टैलेंट्स हैं। संत पौलुस का अपना अलग टैलेंट है। मैं तो ऐसे ही संसार में खुदा ने मुझे और आपको भी नाना प्रकार के वरदानों से भरा है, इस बात को निश्चित तौर पे आज की संध्या जान लेना कि कोई मनुष्य ऐसा नहीं जिसे परमेश्वर ने बिना वरदान के दिया है। मैं और आप अपने जीवन में, आज की संध्या की दूसरी बात, मैं और आप इसीलिए निराश और हताश होते हैं कि जो टैलेंट सामने वाले में है, मैं और आप उस टैलेंट को अपने में ढूंढने की कोशिश करते हैं कि अगर वो अच्छा गाता है प्रभु मैं क्यों नहीं गाता, वो अच्छा बजाता प्रभु मैं क्यों नहीं बजाता, प्रभु वो इतने अमीर घर में पैदा हुआ है मैं क्यों नहीं हुआ, प्रभु उसको तो सब कुछ जन्म से ही मिल गया मुझे क्यों नहीं मिला। अरे परमेश्वर ने तुम्हें अगर जन्म से नहीं दिया तो परमेश्वर ने तुम्हें उस वरदान से भरा है कि अपनी सामर्थ से, अपने परिश्रम से और अपने हुनर से निश्चित तौर पर उस स्थान पर मैं और आप पहुंच सकते हैं। पहली बात क्या थी कि वरदान सब में है, दूसरी बात मुझे और आपको अपने वरदानों को ढूंढना होगा। मैं तो कुछ लोग कहते हैं यार इसकी किस्मत बहुत अच्छी है, कम करता है ज्यादा मिलता है। कुछ कहते हैं प्रभु जी मैं सुबह से शाम तक मेहनत करता हूं मुझे उसके बाद मिलता है। कुछ ऐसे होते हैं जो मेहनती होते हैं कि वो सुबह से शाम तक लगे रहेंगे, अपनी आधी जिंदगी गुजार देंगे तब उन्हें वो चीज प्राप्त होगी। मैं तो वो मेहनत करना भी उनका टैलेंट है, परमेश्वर ने उन्हें मेहनत का ही वरदान दिया है। मैं तो बस मुझे और आपको खोजने की आवश्यकता है, मिलेगा सबको सब कुछ, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक आशीष, हर एक बरकत, हर एक नियामत हर एक के जीवन के लिए रख छोड़ी है और उसे पाने के लिए परमेश्वर ने कोई ना कोई टैलेंट सबकी जिंदगी में दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने बिना वरदान के किसी मनुष्य को इस संसार में भेजा नहीं है।
सबके पास टैलेंट है, बस उसे खोजने की आवश्यकता है। किसी के पास कुछ नहीं है तो खाली बातें करने का ही टैलेंट है, लेकिन वरदान सबके पास है। दूसरी बात क्या थी कि हमें अपने वरदानों को खोजना होगा, हमें देखना होगा। उसको हम खोजेंगे कैसे? उसे हम ऐसे खोजेंगे कि जिन वरदानों की वजह से हमारी पहचान है वही हमारे वरदान है। कुछ लोग अगर कहते हैं कि यार बहुत बोलता है, तो वही हमारा वरदान। बहुत से कहेंगे यार बड़ा मेहनती लड़का है यार ये, नो डाउट, तो वही हमारा वरदान। बहुत से कहेंगे यार बड़ा हम्बल है ये, कहते नहीं यार यार बड़ा अच्छा लड़का है, इसको मैंने कहीं झगड़ा करते नहीं देखा है यार, बड़ा विनम्र स्वभाव का है, बड़ा नम्र स्वभाव का है, वही हमारा टैलेंट है। बहुत से कहेंगे अरे यार ये चापलूसी बहुत अच्छी करता है, वो भी हमारा टैलेंट हो सकता है। मैं तो हर एक आदमी में टैलेंट है और हर आदमी को अपना टैलेंट ढूंढना चाहिए। तीसरी बार आज की संध्या की कि जब हर आदमी में वरदान है, हर आदमी उसको ढूंढ भी ले, लेकिन फिर भी हर आदमी सफल नहीं होता। हर आदमी के वरदान स्थाई नहीं रहते, किसी में किसी जमाने में बहुत अच्छा म्यूजिक का टैलेंट होगा, किसी में बहुत अच्छा गाने का टैलेंट होगा, कोई बहुत अच्छा क्रिकेटर होगा, कोई बहुत अच्छा फुटबॉलर होगा, कोई बहुत अच्छा अमीर होगा, पैसे वाला होगा, किसी ने खुदा ने उसे बहुत बरकत दी, उसे बड़ा अधिकारी बनाया, खुदा ने उसे टैलेंट के मार्फत बड़ा घर दिया, सब कुछ दिया, लेकिन वो सस्टेन नहीं रहते। सस्टेन क्यों नहीं रहते? जब मैं और आप अपने टैलेंट्स को, अपने उन वरदानों को परमेश्वर के भले कामों में लगाते हैं, तब वो टैलेंट बढ़ते हैं। और जब मैं और आप उन टैलेंटों का मिसयूज करते हैं, जब मैं और आप उन वरदानों को परमेश्वर की महिमा की जगह, परमेश्वर के लोगों की सेवा की जगह, परमेश्वर के भले कामों को करने की जगह, जब मैं और आप दाएं बाएं भटक जाते हैं, खुदा ने मुझे और आप, बहुत से कहते हैं गॉड गिफ्टेड हूं मैं, बहुत से कहते हैं म्यूजिक अरे ब्लड में कह लो चाहे गॉड गिफ्टेड कह लो, लेकिन जब वो गॉड गिफ्ट परमेश्वर की महिमा के वास्ते इस्तेमाल नहीं होता, जब वो गॉड गिफ्ट परमेश्वर के लोगों की सेवा के लिए इस्तेमाल नहीं होता, तो वो वरदान फिर इस्तेमाल में, वो वरदान निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं मेरे और आपकी जिंदगी से चला जाता है। अपने वरदान को यूज करने के लिए, अपने वरदान को, अपनी ब्लेसिंग्स को, अपनी उन स्पेशल एबिलिटीज को उसे यूटिलाइज करने के लिए मुझे क्या करना होगा, परमेश्वर ने बता दिया। परमेश्वर ने क्या कहा? जिसको जो वरदान मिला है, पहली बात यह चिंता छोड़ दो कि तुम्हें वो वरदान क्यों नहीं मिला। आधी जिंदगी में और आप इसी निराशा में अपने जीवन को व्यतीत करते रहते हैं, प्रभु मेरे पास वो वरदान क्यों नहीं है जो उसके पास है, वो जो उसके पास है, जो उसके पास है, जो उसके पास है। मैं और आप दूसरे के वरदानों को देख देख कर इतना कुड़ते, इतना जलते, इतना कोसते अपने आप को और अपने परमेश्वर को, कि जो वरदान मेरा और आपका है वो खुद भी कहीं ना कहीं धूमिल हो जाता है। तो खुदा कह रहा है कि जिसको जो वरदान मिला है उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान। भला भंडारी क्या करता है? हैं? भला भंडारी, एक यीशु मसीह ने एक दृष्टांत भी दिया, यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया कि एक व्यापारी था, उसने अपने सेवकों को बुलाया और उसने एक को 5, एक को 3 और एक को 1 तोड़ा दिया और कहा मैं दूर देश जाता हूं, जब लौट कर आऊंगा तब देखता हूं कि तुम क्या करते हो। 5 वाले ने 5 और कमाए, 3 वाले ने 3 और कमाए और 1 वाले ने उसे मिट्टी में गाड़ के रख दिया।
अब जब सिपाही, जब सेठ आया, मालिक आया, उसने कहा पांच वाला, आओ भाई साहब तुमने क्या किया? साहब पांच के दस बनाए। दूसरे से कहा तुमने क्या किया? तीन के साहब छह बनाए। उससे एक से कहा तूने क्या किया भाई? उसने कहा प्रभु मैं जानता था कि तू एक कठोर मनुष्य है, तू जहां से बोता नहीं है तू वहां से भी काट लेता है, इसलिए मैंने तेरे डर के मारे उसे मिट्टी में दफना दिया। तो भला भंडारी का मतलब अब भला भंडारी कौन सा है इनमें है? जिन्होंने पांच के दस और तीन के छह किए। भंडारी का मतलब सिर्फ सेव करना नहीं है, मल्टीप्लाई करना है, उचित भंडारीपन वो है कि जो आपको खुदा ने दिया है आप उसे और कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और उसे मल्टीप्लाई करके परमेश्वर की महिमा के वास्ते इस्तेमाल कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जान लेना, इसीलिए खुदाई कलाम में लिखा है कि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। आज मेरे जीदो मैं और आप देखते हैं, richer are becoming richer, poorer are becoming poorer। मैं किसी पे ब्लेम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन गरीब आदमी का सोचना क्या है, अगर उसे 400 रुपए मिले हैं तो सुबह से शाम तक वो 400 रुपए खाता। अमीर आदमी का सोचना क्या है, अगर उसे 400 रुपए दे दोगे तो वो उसमें से सोचेगा 300 रुपए तो इस्तेमाल कर लूंगा, 100 रुपए का कुछ और करता हूं जिससे कि कहीं और से इनकम आए। मेरी तो उचित भंडारीपन यह है। मेरी तो सबसे बड़ी बात क्या है, एक तो परमेश्वर आपको टैलेंट दे रहा है, एक तो खुदा ने एक वाले को तोड़ा दिया। मेरी तो खुदा अगर चाहता, अगर मालिक चाहता जिसे पांच दिए उसे एक दे सकता था, जिसे तीन दिए उसे पांच दे सकता था, जिसको एक दिए उसे भी पांच दे सकता था। लेकिन निश्चित तौर पर जान लेना, मैं दो परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हर एक की योग्यताओं को जानने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर वो परमेश्वर है जो लोगों को जांचता है, उनके उनकी योग्यताओं को जांचता है कि अगर मैं इसे ये टैलेंट दूंगा तो इसका ये कितना इस्तेमाल करेगा। इसलिए उस मनुष्य ने क्या किया, उसने पांच के हिसाब वाले को पांच ही दिए, तीन वाले को तीन ही दिए। उसने कहा ये नलायक है, मुझे पता है एक का क्या करेगा, चल तू एक तो रख ले, कल को बाद में ये तो नहीं कहेगा कि तूने मुझे कुछ भी नहीं दिया। इसीलिए मरी तो हो सकता है कि किसी में ज्यादा टैलेंट हो सकता है किसी के पास कम वरदान हो, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जिसके पास वरदान है ही नहीं। अब सवाल ये है, सेवक भी जानता है ना, एक जिसके पास है वो अपने मालिक को कैसे जानता है, उसकी इमेज क्या है मालिक की दिमाग में। वो देखा प्रभु मैं तुझे जानता था कि तू एक कठोर मनुष्य है, कि तू जहां से बोता नहीं है वहां से भी काट लेता है। एक तो आदमी आपको कुछ नहीं तो एक वरदान तो दे ही रहा है, उसके बाद भी आप उसको क्या कह रहे हैं कि तू कठोर मनुष्य, फिर भी आप उसकी बुराई कर रहे हैं। भाई तो कई बार में और आप अपने खराब हालातों में, खराब परिस्थितियों में अपनी जिंदगी की उन तोड़ों को अनुभव करने की जगह और उन्हें इस्तेमाल करने की जगह अपने परमेश्वर को लान तान देते हैं। प्रभु जी आपने मुझे गरीब घर में पैदा किया, प्रभु जी आपने मुझे दिया ही किया है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं दिया, उसको इतना दिया। अरे यार दो हाथ दो पैर एक अच्छा दिमाग दो अच्छी आंखें स्वस्थ शरीर, क्या ये टैलेंट से कम है? बहुतों के पास तो ये भी नहीं है। ये भी परमेश्वर का वरदान ही है, जिस वरदान को मुझे और आपको परमेश्वर की महिमा के वास्ते इस्तेमाल करना है।
निश्चित तौर पर जान लेना, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसे परमेश्वर ने वरदान न दिए हो। सवाल यह है मेरी आपके जीवन की परेशानी कि मैं और आप उस मनुष्य की तरह अपने परमेश्वर को कोसते हैं। यार पैसा मैं कभी खुदा को लानता नहीं देता, मैं तो वक्त को कहता हूं वक्त खराब है। मैं कभी खुदा की बुराई नहीं करी मैंने आज तक, मैंने तो बस ये कहा है मेरी परिस्थितियां खराब है। वक्त कौन देता है, वक्त कौन बनाता है, परिस्थितियां कौन बनाता। मैं तो निश्चित तौर पर जान लेना, मैं और आप कहीं ना कहीं किसी ऐसे नहीं तो ऐसे सही कहीं ना कहीं परमेश्वर को दोष दे ही देते हैं। मैं तो परमेश्वर का अनुग्रह मेरे और आपके जीवन पे बहुतायत से है। जब वो एक तोड़े को लेकर अगर कोशिश करता उसे मल्टीप्लाई करने का, तो कहीं ना कहीं परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा जब 5-10 में कन्वर्ट हो सकते हैं तो 1-2 में कन्वर्ट हो जाता है। मेरी तो आज मेरी आपके जीवन की बड़ी परेशानी यही है कि मैं और आप अपने वरदानों को पहली बात परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसीलिए वो वरदान खुदावन मुझसे और आपसे छीन कर जो इस्तेमाल कर रहा है उसे दे रहा है, ले मल्टीप्लाई कर और बड़ा। तू मैं तुझे दूंगा, तू मिट्टी में दाब देगा, क्या फायदा। मेरी तो आज की संध्या खुदावन मुझसे और आपसे कहना चाहता है कि मैं और आप उचित भंडारी बने, मैं और आप भले भंडारीपन को प्रदर्शित करें परमेश्वर के सामने। खुदावन से कहें प्रभु जो तूने मुझे दिया है, जिस हालात में तूने मुझे रखा है परमेश्वर, मैं उन हालातों के लिए तेरा शुक्र करता हूं परमेश्वर, मैं उन बरकतों के लिए तेरा धन्यवाद देता हूं परमेश्वर, उन रिसोर्सेस के लिए मैं तेरा धन्यवाद देता हूं परमेश्वर, उन वरदानों के लिए मैं तेरा धन्यवाद देता हूं प्रभु, इस शरीर के लिए मैं तेरा धन्यवाद देता हूं, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं कि मैं जिंदों की जमीन पर पाया जाता हूं। यह भी परमेश्वर का एक बड़ा वरदान ही है। मैं और आप मुर्दों की तरह जीना छोड़ दें, जिंदों की तरह जीना शुरू करें, जो अपने टैलेंट्स को, अपनी योग्यताओं को, जो अपनी जिंदगी को यूटिलाइज करना नहीं जानता, उसे मिट्टी में दबाया जा रहा है। निश्चित तौर पर जान लेना वो मुर्दे की तरह अपने जीवन को व्यतीत किए जा रहा है। जो सिर्फ अपने जीवन के समय को पास कर रहा है, पहले मैं 40 का था, आज मैं 50 का हो गया, पिछले 10 साल में टैलेंट्स को आपने उन वरदानों को कितना बढ़ाया पता नहीं। जैसा 40 में था वैसा ही 50 में भी हूं और वैसा ही 60 में भी हूंगा। तो निश्चित तौर पर जान लेना मैं और आप जिंदा कहां हैं, मैं और आप मुर्दे के समान जिए जा रहे हैं। लेकिन खुदावंत क्या कह रहा है, खुदावंत कह रहा है कि उसके भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाएं। जिस दिन में और आप एक दूसरे की सेवा के लिए अपनी टैलेंट्स को लगाना शुरू कर देंगे, ना कि एक दूसरे के लैग को पुल करने के लिए, उस दिन मेरे और आपके टैलेंट्स बहुत 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 बढ़ जाएंगे। मेरी तो मात्र पैसा ही टैलेंट नहीं है, पैसा ही वरदान नहीं है। अरे मैं तो भूखों खाना खिलाता हूँ, मेरे पास जो खुदा ने दिया है सब सेवा करता हूँ मैं। अरे मैं बीमारों पर, अरे मैं फल बांट के आता हूँ मलखान सिंह में कि ये करता हूँ कि वो करता हूँ। छोटा सा छोटा टैलेंट भी आपका खुदावंद की महिमा के वास्ते इस्तेमाल हो सकता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो जरा सा चर्च से निकलते समय 4 अगर बिस्किट नमकीन के पाउच खुदावंद के भवन के बरंडे में या ग्राउंड में पड़े, उन 4 पाउच को उठाकर भी अगर मैंने और आपने डस्टबिन में डाल दिया, तो भी मैंने और आपने खुदा के उस योग्यताओं को खुदा की महिमा के वास्ते और लोगों की भलाई के वास्ते इस्तेमाल कर लिया। मैं तो परमेश्वर बहुत बड़ी 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 बातों से खुश नहीं होता कि जब बड़ा होगा तब करूंगा, जब मेरे पास पैसा देखना रुका हुआ पैसा है ना 50 लाख, तब देखना क्या करता हूं मैं। खुदावंद के कलाम में लिखा है जो छोटे से छोटे में वफादार रहेगा खुदावंद उसे और बड़ा करेगा। आज मेरे और आपके पास क्या योग्यता है,
आज मैं और आप क्या कर सकते हैं अपने समाज के लिए, आज मैं और आप क्या कर सकते हैं अपनी कलीसिया के लिए, आज मैं और आप क्या कर सकते हैं अपने पड़ोसी के लिए, आज मैं और आप क्या कर सकते हैं अपने चर्च के लिए। मुझे और आपको आज में और अभी में जीने की आवश्यकता है। खुदावंद से प्रार्थना करें, प्रभु कि जो वरदान तूने मुझे दिए हैं उन वरदानों को मैं तेरी महिमा के वास्ते इस्तेमाल करने वाला बनूं। जरूरी नहीं है कि अन्य भाषाओं में बोलना ही वरदान है, जरूरी नहीं है कि दुष्ट आत्माओं को निकालना, धक्के से गिरा देना, ये सब यही टैलेंट है। अक्सर मैं और आप इन्हीं वरदानों के बारे में बातें करते हैं। जरूरी नहीं है कि भविष्यवाणियां करना ही वरदान। छोटे से छोटा काम जो मैंने और आपने अपने पड़ोसी के साथ भलाई का और अपने परमेश्वर की महिमा का किया है, वो परमेश्वर ने मुझे वरदान दिया है। और खुदा उस वरदान को निश्चित तौर पर जान लेना बहुत 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 बढ़ाएगा। जैसे खुदावंद ने, जिसके पास 5 थे ना, उसने 10 किए, खुदावंद ने उस एक वाले से लेकर किसको दिया, 10 वाले को, कि तू इसको भी इस्तेमाल कर, ये तो बर्बाद कर रहा है। निश्चित तौर पर जान लेना, ऐसे ही परमेश्वर मेरे आपके वरदानों को भी, उसके पास 5 थे, आप कितने हो गए, 11। हालेलुया। हो सकता है आपके पास 2 हो सकता है मेरे पास 1 ही हो, लेकिन जब मैं और आप खुदा की महिमा के वास्ते इस्तेमाल होते जाएंगे, परमेश्वर के भले काम में लगे रहेंगे, तो खुदा बहुतों के वरदान छीन छीन कर मुझे आपको देता रहेगा। वो लोग जो अपने वरदानों को बर्बाद कर रहे हैं। हालेलुया। निश्चित तौर पे मैं और आप बरकतें, आशीषें, खुदावंद का अनुग्रह, खुदावंद की सामर्थ, खुदावंद की दया, उसकी करुणा और उसकी मोहब्बत हासिल करते जाएंगे, और मुझे और आपको उन्नति और तरक्की करने से कोई रोक नहीं सकता। जो जिसे खुदा बढ़ाए, जिसे खुदा आशीषें दे, जिसके ऊपर खुदावंद का अनुग्रह हो, निश्चित तौर पर जान लेना उसे कोई काट नहीं सकता। खुदा के कलाम में इसी लिखा है, तेरे बाईं और 1,000 तेरे दाईं और 10,000 गिरेंगे, लेकिन तू खड़ा रहेगा। बस खुदावंद पर भरोसा रखें, और जो परमेश्वर ने मुझे और आपको टैलेंट्स दिए हैं उन्हें उचित भंडारी की तरह यूटिलाइज करना सीख जाएं, और उस निराशा के गड्ढे से बाहर निकलें कि मुझे खुदा ने कोई वरदान नहीं दिया। खुदा ने हर एक जिंदगी में कुछ ना कुछ टैलेंट भरा है, बस मुझे और आपको उसे खोजने की और उसे खुदा की और खुदा के लोगों की महिमा और उनकी सेवा के लिए इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। बाकी में और आप अपने आप शाइन करेंगे। हालेलुया। प्रार्थना में अपने सर को झुकाएं और दुआ मांगें। धन्यवाद देते हैं खुदावंद एक बार फिर से पिता आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया और आपकी करुणा के लिए। खुदावंद हमारा विश्वास है कि आपने खुदावंद हर एक को बरकतों से भरा है, हर एक को वरदानों से भरा है, हर एक को खुदावंद अपने टैलेंट से भरा है। प्रभु हम सब अपने अपने उन उचित वरदानों को अनुभव करने वाले हों, और प्रभु एक दूसरे की सेवा में खुदावंद उन वरदानों को इस्तेमाल करने वाले हों। प्रभु अपना प्रकाशन हम सब पे बना के रख। खुदावंद जितने बीमारी के आलम में हैं, जितने दुखी हैं, परेशान हैं, पीड़ित हैं, चिंतित हैं, खुदावंद प्रार्थना करना एक दूसरे के लिए भी वरदान है। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं, खुदावंद आप हर एक की सुधीर हैं। तेरा अनुग्रह, तेरी सामर्थ्य इस मंडली पर, तेरे लोगों के ऊपर बनी रहे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से, आमीन। अरे हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह हतावे, तेरी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे रहे, आमीन। हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति विशेष तौर पर इस मंडली के साथ और संसार के समस्त विश्ववासियों के साथ निरंतर बनी रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम खुदावंद को धन्यवाद देते एक बार फिर से प्रभु के अनुग्रह के लिए। आप सबसे निवेदन है मेहरबानी से कि आप इस पोर्ट्स को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, जैसे कि और लोग भी परमेश्वर के वचन से आसूदा हों। प्रभु आपके साथ है भाई विपुल मसीह। खुदा का अनुग्रह आप पर, आपके परिवार के ऊपर भी बना रहे। तो फिर से भाई सौरभ कुमार, परमेश्वर आपके साथ रहे, खुदावंद आप पर भी बहुत आशीष बरकत दे। भाई विनोद सिंह साहब, खुदा का अनुग्रह आप पर भी बना रहे, हम धन्यवाद देते हैं। फिर से प्रभु में बने रहें, आशीषित रहें, आनंदित रहें।
और हम कल शाम को परमेश्वर की महिमा के वास्ते 5 बजे इकट्ठे